हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक, जिसमें हम कवर करेंगे दो ऐसे वैल्यूज जिसको हम शेल स्क्रिप्ट के थ्रू फेच कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि वो वेरिएबल जिनको सेट किया जाता है शेल स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, उन दोनों वेरिएबल को समझने के लिए पहले हम उसका थियोरेटिकल डिस्कशन करेंगे कि वो एक्चुअल में क्या वैल्यू रिटर्न करता है। फिर हम देखेंगे कि कौन से ऐसे सिनेरियोज है जहाँ पे हम उन वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट वाइज, और सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद में थियोरेटिकली हम देखेंगे कि कैसे उसका एक ऐसा शेल स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं जो उन दोनों वैल्यूज़ को फेच करके लाए। ठीक है, जो वैल्यूज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास रैंडम और टर्मिनल टाइप। ठीक है, इनके नेम से ही आपको थोड़ा क्लैरिटी हो गई होगी कि रैंडम क्या करेगा और टर्मिनल टाइप क्या करेगा, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कैसे इनको यूज़ किया जाता है और क्या किस तरह की वैल्यू ये रिटर्न करते हैं। शेल स्क्रिप्ट समझने के बाद में जब हमारे को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम उसी शेल स्क्रिप्ट को सीएल प्रोग्राम से भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे, क्योंकि सीएल को एग्जीक्यूट करने से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कौन से ऐसे मेथड्स है जिससे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फाइल को, शेल स्क्रिप्ट फाइल को रन करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आज का टॉपिक के बारे में आपको ओवरव्यू मिल चुका है, अब अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो पहले बात करते हैं रैंडम की, कि रैंडम क्या होता है। रैंडम भी एक ऐसा वेरिएबल है जिसको क्यूशेल सेट करता है, और वहाँ से उस वेरिएबल को जब भी आप एक्सेस करोगे तो वो आपको कुछ ना कुछ एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कैसे रैंडम नंबर क्या होता है। तो रैंडम नंबर मींस अगर आपने एक वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल अगर अपने पास एबीसी वेरिएबल है उसको अपन कॉल कर रहे हैं, तो एक बार वो वैल्यू रिटर्न करेगा 10, दूसरी बार रिटर्न करेगा 15, तीसरी बार रिटर्न करेगा 16, ऐसे वो हर बार कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज करके रिटर्न करेगा, और कोई उसका पैटर्न नहीं होगा, है ना। वो फिक्स नहीं है कि प्लस टू होता जाएगा या माइनस वन होता जाएगा, वो चेंज होता रहता है। कभी वो 5 से इंक्रीज हो जाएगा, कभी वो 2 से इंक्रीज हो जाएगा, है ना, कभी कम भी हो सकता है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रैंडम नंबर। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं ओटीपी का, है ना। ओटीपी नंबर से आप लोगों ने देखे होंगे, जब भी अपन कोई वेरिफिकेशन करते हैं तो एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी में भी क्या होता है, हर बार नंबर चेंज होकर आता है। जैसे ही आप उसको रीसेंट पर क्लिक करते हो तो वो आपको एक नया ओटीपी जनरेट करके देगा। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं रैंडम नंबर ही जनरेट होते हैं, बस वहाँ थोड़ा सिक्योरिटी के बेसिस पे उसको ये मेक श्योर किया जाता है कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो, अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन वगैरह डिपेंड होते हैं उस पर, इस वजह से उसको पूरा ध्यान से देखा जाता है। सेम जाता है यहाँ पे भी रैंडम नंबर के साथ। अब बात क्या है, जब भी सपोज आपको कोई वैलिडेशन परफॉर्म करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल रैंडम का यूज़ कर सकते हो, और रैंडम के थ्रू आपके पास एक नंबर आएगा, फिर उस नंबर से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो लॉजिक को आपके। तो ये तो बात हो गई रैंडम के बारे में। सेकेंड हमारे पास टर्मिनल टाइप। टर्मिनल टाइप नेम से ही पता चल रहा है कि जब भी आपको टर्मिनल का टाइप पता करना हो कि आपका टर्मिनल का टाइप क्या है एक्चुअल, तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे टर्मिनल टाइप का। आई थिंक थियोरेटिकल से ही आपको दोनों चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से इसका प्रैक्टिकल। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क एलन के, जो ओपन करेगा वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक को। इस स्क्रीन पे मैं जब पेज डाउन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक डायरेक्टरी ओपन होगी टेक्शरमित नाम से, है ना। ये डायरेक्टरी मैं ऑप्शन 5 से ओपन करूँगा, और इसी डायरेक्टरी में मेरे फाइल और स्क्रिप्ट हमेशा क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे हमने एक फाइल बनाया हुआ है ऑलरेडी sharmit.sh नेम से। तो ये ध्यान रहे, ये फाइल जो है मेरी ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इसमें जो भी मैं कंटेंट लिखूँगा वो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो अगर आपकी फ़ाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो सबसे पहले टास्क आपका यही रहेगा कि आपको अपनी फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना है। अब वो कैसे होता है, उसके लिए अपन ने फर्स्ट सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हम chmod कमांड के थ्रू अपने फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं। उतना होने के बाद में हम क्या करेंगे, जब एक बार आपकी फाइल एग्जीक्यूट हो गई, एग्जीक्यूटेबल बन गई, तब आप जो मैं स्टेप्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको ऑप्शन 2 से ओपन। अभी के लिए जस्ट यहाँ पे मैंने एक मल्टी लाइन कमेंट डाल के रखा हुआ है, प्रेजेंटेड बाय टेक्सचर में वेरिएबल सेट बाय QSH। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या लिखना है, सबसे पहले अपन देखते हैं रैंडम नंबर के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे इको, इको कमांड हम हमेशा पेस्ट करने के, प्रिंट करने के लिए रखते हैं। इको लिख के यहाँ पे मैं अभी के लिए लिखता हूँ रैंडम नंबर कोलन, और यहाँ डॉलर के साथ में आ जाएगा रैंडम। मेक श्योर करना है कि जब भी आप कोई वैल्यू लिख रहे हो वेरिएबल्स की, वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही हो, अदरवाइज वो एरर देगा। ठीक है, तो
ये टेक्स्ट जरूरी नहीं है, आप चाहो तो हटा भी सकते हो डायरेक्टली, वैल्यू रेंडम भी प्रिंट करके देख सकते हो, ये आपके ऊपर है कि कैसे आप उसको कस्टमाइज करके यूज़ करने वाले हो, बट ओवरऑल स्टेप्स ये होते हैं, है ना। तो अपन ने क्या लिखा, इको रेंडम नंबर रेंडम। अब इतना होने के बाद में अपन क्या करेंगे, इस फाइल पाथ को आपको याद रखना है और इसी को अपन एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो यहाँ से करता हूँ सेव और एग्जिट, F3 से सेव, F3 से एग्जिट। सेकेंड सेशन पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे QSH, नया क्यू शेल ओपन हो गया। अब यहाँ पे वही स्क्रिप्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो जो मैंने आपको अभी बताया था, /home/sharmath/techsharmath/sharmath.sh और एंटर। एंटर करने के बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रेंडम नंबर क्या रिटर्न करके आया, 34873, 5 डिजिट का एक नंबर हमारे को मिला। तो अब ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये रेंडम नंबर है, इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, F9 प्रेस करना है और फिर से इस स्क्रिप्ट को रन करना है। जैसे ही हमने फिर से इसको रन किया तो अब देखो नंबर क्या है, 9762, नंबर कम हो गया और चेंज भी हो गया, पहले 5 डिजिट था 4 डिजिट हो गया। फिर से अगर इसको कॉल करेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी। तो जितनी बार भी आप इसको कॉल करोगे तो ये आपको एक नया नंबर जनरेट करके देगा, इसी को हम बोलते हैं रेंडम नंबर। इसी तरह से आप रेंडम नंबर की हेल्प से एक OTP जनरेट कर सकते हो। अब OTPs में क्या होता है, कई कुछ ऑर्गेनाइजेशन है OTP 6 डिजिट का रखते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन 5 डिजिट का, कुछ 4 डिजिट का, है ना। तो वो इसी वजह से होता है कि यहाँ पे हम फिक्स नहीं कर पा रहे, यहाँ पे हमारे को एक ही मतलब जो भी नंबर मिलता है वो इसी के अकॉर्डिंग मिलता है, रेंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग। बट आप इस तरह से एक नंबर जनरेट करवा सकते हो, जैसे यार देखो अब 23345 आ गया, तो हमने इतनी बार इस स्क्रिप्ट को रन किया, हर बार इसने एक नया नंबर हमें जनरेट करके दिया, और जितनी बार भी आप इसको रन करोगे ये आपको एक नया यूनिक नंबर ला के देगा, ठीक है। ये सारे नंबर्स इसने एज ए रेंडम नंबर रिटर्न किए। तो यही फंक्शनैलिटी होती है रेंडम वेरिएबल की। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्मिनल टाइप, और मैंने इसमें एक चीज़ और बताया था आपको कि इसका कैपिटल लेटर्स क्यों रखना है, वो अपन टर्मिनल टाइप समझने के बाद में फिर से देखेंगे, ठीक है। तो इको यहाँ अपन लिखते हैं टर्मिनल टाइप कॉलन, और यहाँ पे आ जाएगा डॉलर टर्मिनल अंडरस्कोर टाइप, और कॉल कोड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इको टर्मिनल टाइप, और यहाँ पे आ गया टर्मिनल टाइप, ये भी होगा कैपिटल लेटर्स में। फिर करेंगे F3 से सेव और F3 से एग्जिट। सेशन बी पे जाके इस स्क्रिप्ट को फिर से लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, रैंडम नंबर में वही नंबर नया जनरेट हो गया, और टर्मिनल टाइप में आया 5250, है ना। ये नंबर नहीं है, मतलब ये रैंडम नंबर नहीं है, ये आपका टर्मिनल नंबर है 5250। इसको आप जितनी बार भी कॉल करोगे सेम ही रहने वाला है ना, ऊपर वाला नंबर चेंज हो रहा है, ये वैल्यू सेम है। क्यों, आपने लोगों ने देखा होगा 5250 टर्मिनल के बारे में सुना भी होगा काफ़ी बार IBMI के रिलेशन में, तो ये वही टर्मिनल टाइप आपको बता रहा है। तो जब भी आपको टर्मिनल टाइप, जैसे हमने एक तो QSH वर्जन देखा था, तो QSH वर्जन और टर्मिनल टाइप जब भी आपको आइडेंटिफाई करना, तो इन दोनों वेरिएबल्स की हेल्प से हम इनको वैल्यूज़ को फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम रेंडम नंबर और इसके साथ में टर्मिनल टाइप को फेच करते हैं। अब जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि इसको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना, उसका रीज़न ये था कि अगर मैं इसको स्मॉल में लिखता हूँ और फिर सेम चीज़ है बस स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो अब डिफरेंस क्या आएगा देखना। यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया स्क्रिप्ट को, एक बार फिर से लिख देते हैं /home/sharmath/tech/sharmath/sharmath.sh और एंटर। तो यहाँ पे रैंडम नंबर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है ना, एरर नहीं देता पर वैल्यू भी प्रिंट नहीं करी। उसका रीज़न यही है कि हमने वहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिखा था। तो ये आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि जिस भी वेरिएबल, ये हर सेशन में मैं इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि इसका पर्पस क्या है, क्यों हम इसको नहीं लिखते, है ना। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है कई बार कि स्मॉल में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जाता, इस तरह से, ठीक है। तो अब अगर मैंने इसको करेक्ट कर दिया तो फिर से ये वैल्यू अपने को ला के देगा। तो ये तो पूरा प्रोसेस हमने देखा रेंडम वेरिएबल का और टर्मिनल टाइप वेरिएबल का। अब फटाफट से देखते हैं कि इस चीज़ को कभी शेल स्क्रिप्ट से रन करना है तो कैसे होगा, CL प्रोग्राम से। तो उसके लिए रन QSH ऐसे एक प्रोग्राम बना हुआ है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक वेरिएबल सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया DCL से, तो DCL लिख के F4 लेना है, वेरिएबल का नेम टाइप स्टोरेज और लेंथ आ जाएगा। फिर आपको लिखना CHGWHERE F4 वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्रिप्ट /home/sharmath/tech/sharmath.sh। फिर हम लिखेंगे STRQSH F4 लेंगे,
तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम आ जाएगा जिसमें भी आपने स्क्रिप्ट को स्टोर किया हुआ है। अब जैसे ही आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करके कॉल करोगे तो आपको दिखेगा कि इसने जो भी आउटपुट हमारे को क्यूशल प्रॉम्प्ट पे दिया था वही आउटपुट ही अपने को यहाँ पे रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेंडम नंबर और टर्मिनल टाइप को, ओके यहाँ पे टर्मिनल टाइप में पाइपलाइन शो कर रहा है, नॉट श्योर वाई, ये एक मे बी कुछ और रीज़न की वजह से यहाँ पे आप देखोगे पाइपलाइन शो हो रहा है, बट यही चीज़ अगर हम स्क्रिप्ट से रन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको करेक्ट दिख रहा है 5250। ओके नो प्रॉब्लम, इसको अपन मे बी इन अपकमिंग सेशन में फिर से डिस्कस कर लेंगे कि इसका रीज़न क्या है, बट ओवरऑल हम कर क्या रहे हैं, स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं, और स्क्रिप्ट रन करने से क्या हो रहा है, ये दोनों वैल्यूज हमारे को प्रिंट हो रही है। दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है वो अपन मे बी डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, बट आई थिंक आज वाला जो टॉपिक था वो अपना क्लियर हो गया कि कैसे हम रैंडम नंबर और टर्मिनल टाइप को फेच कर सकते हैं शेल स्क्रिप्ट की हेल्प से। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।